नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GS रूम में। इस चैनल पे आज हम टॉप 1000 क्वेश्चन का एक सीरीज चालू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको डेली एक वीडियो मिलेगा फुल डिस्कशन के साथ, यानी कि जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जीके GS से रिलेटेड, टॉप 1000 क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रिपीट होते हैं या फिर बार बार वही पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को हम पहले टॉप 1000 में देख लेंगे, यानी कि डेली एक वीडियो आपको उस क्वेश्चन पे मिलेगा। तो इस सीरीज का आज ये पहला वीडियो है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक। पहला क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। ऑप्शन दिया गया है मोहम्मद शाह, शाहजहां और अकबर। तो मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और मयूर सिंहासन का दूसरा नाम तख्त ए ताऊस है। इसके साथ ही इसी सिंहासन में कोहिनूर हीरा जड़ा था, यानी कि सबसे कीमती हीरा कोहिनूर हीरा इसी सिंहासन में लगाया गया था। इस सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। दूसरा क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था और जालियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे क्या क्या वजह थी। तो 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट कानून पारित हुआ था और इसका विरोध पूरे भारत में होने लगा, और इसी बीच 8 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई, और इसी गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए विरोध प्रदर्शन के लिए। और उस समय पंजाब का गवर्नर ओ डायर था, जिसने अपने सेनापति आर डायर को आदेश दिया और आर डायर ने अपने सेना को गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें इस हत्याकांड में लगभग 1600 लोग मरे थे। और ये घटना 13 अप्रैल 1919 की है, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून किसने कहा था। तो रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून गांधी जी ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन दिया है सिडनी रॉलेट। तो सिडनी रॉलेट ने रॉलेट एक्ट कानून को पारित कराया था, इसी ने रॉलेट एक्ट कानून को पारित कराया था, और गांधी जी ने रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा था। रॉलेट एक्ट कानून एक ऐसा कानून था जिसमें बिना वारंट शक के निगाह पे किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। यानी कि क्वेश्चन देखते हैं कि टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो चलिए आगे 5वां क्वेश्चन है कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी। तो अगर मृत कोशिका या सिर्फ कोशिका की खोज पूछे तो उसमें रॉबर्ट हुक आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें आंसर सही है। रॉबर्ट हुक मृत कोशिका की खोज या कोशिका की खोज, इसमें रॉबर्ट हुक आंसर सही होगा। और लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। अगर जीवित कोशिका की खोज पूछे तो लीवेनहॉक, स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। अगर कोशिका सिद्धांत पूछे कि किसने दिया था, तो स्लाइडन और स्वान। 6 नंबर क्वेश्चन है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो दूध में लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। और आगे दिया है फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज शर्करा फल फ्रूट में पाया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी हत्या की जांच किस आयोग को सौंपी गई थी। तो इंदिरा गांधी हत्या की जांच ठक्कर आयोग ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। और हंटर आयोग ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच की थी। वहीं पर नानावटी आयोग ने गोंधरा कांड की जांच की थी।
8 नंबर क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में जापान के राजधानी टोक्यो में रास बिहारी बोस ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। वहीं पे लाला हरदयाल ने गद्दर पार्टी की स्थापना की थी। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि हवा महल कहाँ स्थित है। तो हवा महल राजस्थान के जयपुर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आगे देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो WTO का मुख्यालय जेनेवा में आपका स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। और ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय स्थित है। न्यूयॉर्क में आपका यूनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र संघ UN दोनों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।